नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। वक्त तो चला है सुबह की कुछ खास खबरों का, चर्चा करते हैं पहली खबर के साथ। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देशों पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं द्वारा असुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण विषय पर संवेदनकरण कार्यशाला आयोजित की गई। बता दें, इस कार्यशाला में स्वास्थ्य शिक्षा और परिवीक्षा विभाग के अधिकारियों ने बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और असुरक्षा के अनुभवों को साझा किया। उत्तराखंड के चमोली जिले के ज्योतिर्मठ के परसारी गांव में भोजन की तलाश में एक भालू के सर में कनस्तर फंसने से उसकी जान में सांसत आ गई। बता दें, पूरी रात भालू इधर उधर भटकता रहा लेकिन सर में कनस्तर बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद घटना की सूचना मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भालू के को कनस्तर से मुक्त किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। बहरहाल, पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दी है। बीते दिन भारतीय स्टेट बैंक की लखनपुर शाखा रामनगर में हंसी देवी पत्नी और मंजू देवी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2-2 लाख रुपए जो धनराशि है उसका भुगतान किया गया। जानकारी के लिए बता दें, उनके पति स्वर्गीय विलोचन सिंह और स्वर्गीय दीवान सिंह द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ मात्र 436 सालाना में लिया गया था। कुमाऊं के चंपावत में एक असम निवासी युवक ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे मिलने के लिए चंपावत पहुंच गया। बता दें, युवक के मामले का खुलासा होते ही बजरंग दल और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर थाने में ले गए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को एक ग्रामीण किशोरी अपनी मां के साथ बाजार आई थी लेकिन थोड़ी देर बाद मां से कहकर वो चली गई और देर तक वापस नहीं आई। और इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने किशोरी को एक युवक के साथ देखा जिनकी पहचान बाद में रिहान के रूप में हुई। तो वहीं युवक का स्थानीय ना होना सामने आया और उसके साथ किशोरी का होना संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी और फिर हंगामा खड़ा हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रणाम नारायण मीना के निर्देशानुसार माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट की तामील के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रामनगर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके चलते प्रभारी निरीक्षक अरुण सैनी ने नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए वारंटी चांद मोहम्मद निवासी रामनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस खास मामले में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जय जय न्यूज। धन्यवाद।